हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेलवे वाले वेजिटेबल कटलेट। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कटलेट बनाने की सामग्री है 2 कप ब्रेड क्रम है। ब्रेड क्रम बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 3 बॉयल किया हुआ आलू, 1/2 कप मैदा, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 कप हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1/2 कप बीन्स बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 कप ताज़ा मटर है जिसे हमने मिक्सी के बर्तन में डालकर दरदरा पीस लिया है, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ गाजर, 1 कप ग्रेट किया हुआ बीट, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च अदरक का दरदरा पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। पैन गरम हो गया है, तेल डालेंगे। 2 चम्मच तेल है, तेल को अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, जीरा डालेंगे, तुरंत प्याज डालेंगे, हरी मिर्च अदरक मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। दरदरा पीसा हुआ मटर डालेंगे, बीन्स, गाजर, बीट, अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। सब्जियों को हमने अच्छे से मिलाते हुए पका लिया है। आलू को हमने मैश कर लिया है, आलू डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, हरा धनिया पत्ता। सारे सामग्री को हम मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिश्रण हमारा तैयार है। गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। एक बॉल लेंगे, बॉल के अंदर हम मैदा डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पानी डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए, इसी तरह का घोल होना चाहिए। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ना ही इससे ज़्यादा पतला। हमारा घोल परफेक्ट बनकर तैयार है। इतना घोल तैयार करने में हमने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है। हाथों को हम तेल से ग्रीस करेंगे। मिश्रण में से हम थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे और इस तरह से हम कटलेट बनाएंगे। इस तरह से हम रोल बनाएंगे, हथेली से दबाएंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा दबा देंगे, शेप देंगे। अच्छा, इसी तरह से हम सारे कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। मैदे के घोल में हम कटलेट को डीप करेंगे। एक बार हम घोल को अच्छे से फेंट लेंगे। कटलेट को हम घोल में डालेंगे, अच्छे से कोट करना है। इस तरह से कोट करने के बाद हाथों में ले लीजिए और ब्रेड क्रम से हम कोट करेंगे।
और इस तरह से हम दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। कटलेट को हम अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कटलेट को पलट लेंगे। कटलेट को हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए कटलेट को भी फ्राई कर लेंगे। रेलवे वाले कटलेट बनकर तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बना है। एक आपको हम तोड़कर दिखाएंगे, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।